बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका उस काशिफ। वेलकम टू द शो। जनाब बहुत बहुत मुबारक हो अवाम पाकिस्तान को कि फाइनली हमारी बेटी जैनब के कातिल को पकड़ लिया गया और उस रेपिस्ट को पकड़ लिया गया। वो सीरियल किलर और रेपिस्ट नाम में है और वो अपने विजिटिंग कार्ड पर उन्होंने साथ डाला हुआ है कि वह आका अलैहिस्सलाम के गुलाम हैं, उन्हीं के गदागर हैं, उन्हीं के टुकड़ों में पलते हैं और नातखां भी हैं। जहाँ कुछ इस किस्म की गुफ्तगू उन्होंने कार्ड पे लिखी है, कहते हैं फी सबीलिल्लाह नातखानी भी करते हैं। सवाल ये है कि और एक स्टेटमेंट और भी आया जनाब कि जी मुझ पर जिन तारी हो जाता है और वो जिन तारी होने के बाद मुझसे कहता है बच्चों के साथ जिनसी ज्यादती करो उनका कत्ल करो। ये इस तरह का मामला लाया जा रहा है बीच में। क्वेश्चन है कि ये लीगल इंसैनिटी प्ली की तरफ इस मामले को ले जाया जा रहा है। क्या इससे जो पीडोफीलिया प्रोस्टिट्यूशन रिंग जो चल रहा है कसूर में, पंजाब के कई एक इलाकों में और कुछ के भी कुछ मखसूस इलाके हैं वहाँ पर, केपीके में भी चल रहा है ज़्यादातर ये बच्चाबाजी वाला जो ड्रामा है, ये जहाँ जहाँ चल रहा है क्या उसे कवर देने की कोशिश की जा रही है? जनाब शहबाज शरीफ साहब ने बड़े अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, उन्होंने आजी साहब को बिठाया, जैनब के वालिद साहब को अपने बागल में, और उन्होंने कहा कहने लगे जी कि हमारा दिल आज भी रो रहा है लेकिन हम अपने इंटेलिजेंस इदारों को, सिविल और मिलिट्री दोनों को अप्रिशिएट करते हैं और पुलिस को भी अप्रिशिएट करते हैं कि उन्होंने कातिलों को ढूंढ निकाला। सवाल ये है कि मैं आज भी ये कहता हूँ कि बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशाइन बात है कि उन्होंने 14 रोज के बाद कातिलों को ढूंढ निकाला, लेकिन क्या ही अच्छा होता कि ये प्रोस्टिट्यूशन रिंग कम्प्लीटली एक्सपोज कर दिया जाए फ्रॉम ऑल ओवर पाकिस्तान और इसको सफाई अस्सी से मिटा दिया जाए ताकि दोबारा हमारी किसी बेटी की इज्जत पर कोई आंच ना आए।